इसके सर पे चोट लगी पड़ी है, इसके दवा ववा लगाइए सर पे। अभी हम लोग जा रहे थे उसको देखने, सारस को देखने, और यहाँ पे देखो एक सांप मरा हुआ मिला हमें। अभी पता चला है यहाँ पे एक सारस नाम की चिड़िया होती है, वो कहीं पे मतलब वो काफी बड़ी चिड़िया होती है, तो बहुत ज्यादा घायल है। मतलब घायल क्या, उसके टांग वांग कट गई है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है। अभी उसकी मलहम पट्टी करी है। यहाँ से जाने में काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी पानी है, बगल में तालाब है, पता नहीं कितना गहरा हो यहाँ से, और यहाँ पे सांप वांप बहुत ज्यादा होते हैं। देखता हूँ किधर है यार। काफी ज्यादा खराब रास्ता है यहाँ पे, देखो ये रही वो सारस, देखो इसे, इसके सर में काफी ज्यादा चोट लगी पड़ी है, इसका सर फटा पड़ा है। ऐसा लग रहा है इसकी दूसरे से लड़ाई हुई हो किसी से, और शायद इसकी टांग भी कटी पड़ी है। हाँ, और बहुत ज्यादा घायल है और बहुत ज्यादा डरावनी है ये। गाइस मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये मुझे अगर एक चोंच भी मारी ना वहीं से फट जाना है मेरे, क्योंकि इसकी चोंच बहुत ज्यादा बड़ी है। गाइस बहुत खतरनाक काम कर रहा हूँ, अगर इसने पकड़ के मार दिया ना फट ही जाऊंगा मैं। इसके सर पे चोट लगी पड़ी है, इसके दवा ववा लगाइए सर पे, बहुत ज्यादा चोट लगी पड़ी है सर पे, देखो। शिट, अभी हमने हमारे मतलब बाबा हैं एक, उन्होंने लगाई है इसके दवा वगैरह, बहुत ज़्यादा डरी हुई है ये, बहुत बड़ी है ये, पूरा साइज बहुत बड़ा है इसका, देखो। एक पंख देखो कितना बड़ा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। यार मेरा हाथ कितना बड़ा होगा लगभग इसके, ओहो मेरा हाथ तो पता भी नहीं चल रहा इसके आगे, देखो। और जबकि मैं दूर से कर रखा है मैंने ये, और हो इसकी आंखें, ओ तेरी। एक्चुअली मैं अभी गांव में हूँ और यहाँ पे यार कोई डॉक्टर वॉक्टर आता नहीं है इसका, तो यहाँ पे ना गांव वाले इलाज करते हैं, जो जानवरों की चोट लग जाती है और कुछ हो जाता है तो गांव वाले ही उनकी हेल्प करते हैं। और देन कोशिश करेंगे अभी शाम तक इसे करेंगे, मतलब अगर ये ठीक नहीं हुई तो हम इसे गाँव के अंदर ले जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ लगा देंगे इसके लिए, खाने पीने के लिए कुछ ले आएंगे, क्योंकि यार ये भी जानवर हैं और जो जानवर होते हैं वो यार इंसानों पर डिपेंड रहते हैं जो घायल हो जाते हैं, वरना अगर ये ठीक होती तो अपना काम खुद ही कर लेती है। और भूखी भी है काफ़ी ज़्यादा, तो हम ऐसा करेंगे चावल वावल कुछ होगा तो ला के रखेंगे इधर। और ये बैठा पड़ा इधर, ये बंदा सुबह जब इसने 5 बजे देखी थी ना ये, तब से ये बैठा पड़ा है यहीं पर। और फिर मुझे फ़ोन करा इसने कि भाई इधर आ जाए यहाँ पे, देख ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है यार आता हूँ। और इसे हमारे गांव में सारस कहते हैं, और आप जैसे कि देख सकते हो इतनी ज़्यादा बड़ी है ना ये, बहुत बड़ी है ये। हाँ, और यहाँ पे बाणी भी कहते हैं, सारस बाणी, और इंग्लिश में तो एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बट फिर भी देखो चोट लगी पड़ी है, देख रहे हो जैसे कि। हम इसे परेशान नहीं कर रहे, बस आपको दिखा रहे हैं यार, हमने इसकी काफ़ी मलहम पट्टी करी है वैसे तो। देखो सर पे चोट बहुत ज़्यादा, ये शांत होती है काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत जब ज़्यादा कुछ करते हैं ना तब जाके ये चिड़िया भड़कती है। पे ना काफ़ी ज़्यादा कीड़े वीड़े आ रहे हैं, तो हम इसे उठा के ना कहीं और रख रहे हैं यार, और कोशिश पूरी ये करेंगे यार कि ये बच जाए, मरे ना यार। खड़ी करो, नहीं रहने दो, खड़ी वड़ी ना करो, लेटे रहने दो, क्या लेटे रहने दो, ओहो इसका पैर कटा पड़ा है जैसे देख सकते हो। अरे नहीं भैया ने दवाई करी थी इसकी, ये थोड़ा बहुत जानते हैं ना इसके बारे में इसलिए उड़ने की कोशिश कर रही है गाइस, देख लो जैसा कि देख सकते हो। पर ये उड़ नहीं पाएगी यार, मुझे तो नहीं लगता यार ये जी पाएगी, पर फिर भी कोशिश करेंगे इसे कि ये जी जाए यार। तो गाइस वो देखो वहाँ बैठी पड़ी है बहुत सारी चिड़िया, तो मुझे लग रहा है आज इसका भोजन बनेंगे, मतलब ये इनका भोजन, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे यार, बहुत कम है हमारे देश में ये, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो इनके साथ। इसे इंग्लिश में क्रेन कहते हैं, CRANE ऐसी कुछ कहते हैं, और सारस भी कहते हैं इसे। यार अब इसके लिए पहले खाने की व्यवस्था करते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें ये फ़र्ज़ निभाना है, और हमें कुछ पुण्य कमाना है इसे मतलब कि इसको सही करके। ओके सो गाइस मैं यहाँ से अब घर जा रहा हूँ, और इसके लिए हो सके तो कुछ खाने पीने का दूंगा आके, देखते हैं ये वेज खाती है, वैसे तो नॉन वेज ही खाती है, अब देखते हैं वेज खाएगी या नहीं खाएगी, देखते हैं। 1 hour later मैं और अजय जा रहे हैं वहाँ पे उसको सारस को देखने, चलो तुम भी चलो और देखते हैं उसके क्या हालात है, भगवान करे अच्छे ही हो, कोई मरे ना फालतू में।
चलो चलते हैं फिर धीरे धीरे से। अभी हम लोग जा रहे थे उसको देखने, सारस को देखने, और यहाँ पे देखो एक सांप मरा हुआ मिला हमें, और यहाँ पे बंदों ने ही मार दिया होगा इसे, क्योंकि यार एक लोग ये बहुत जहरीला सांप है, बंदे कह रहे हैं जहरीला है ये, क्या कर सकते हैं। चलो उसे देख के आते हैं पहले। चल आगे चल। फाइनली उसी खतरनाक जगह पे पहुंच चुका हूं मैं जहां पे पहले था, और यार ये काफ़ी बेकार जगह है, देखो पता नहीं चलता बंदा कब कहां घुस जाए यार। और वैसे भी अभी आपको सांप दिखाया मैंने, और यहां पे सांप ना ऐसे ही निकल के आ जाते हैं, और जहरीला सांप था वो, क्योंकि तालाब है तो यहां पे बहुत सारे सांप आते रहते हैं, सांप मतलब आते रहते क्या, रहते ही हैं, यहीं पे घर है उनका सांप का। देखते हैं वो कहां पे है जो थी। गाइस यहाँ पे दो तो हैं पर वो नहीं मिली जो घायल थी, हम उसके लिए सामान लाए थे खाने पीने का। ये देखो गाइस डांस कर रही है, ये नर मादा को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। गाइस वो दो तो नहीं है, पर अब आगे यहाँ पे थे, आगे यहाँ पे दो और हैं जो वहां उन्हें देखने जा रहा हूँ कि यार यार ऐसे कैसे चला जाता है। बस मैं आधे घंटे में वापिस आया था कपड़े वपड़े चेंज करके, अब देखते हैं यार अगर वो दो हुई तो ठीक है उन्हें दे डाल देंगे खाना वाना, घायल वाली उनमें से एक हुई तो। गाइस ये दो सारस हैं पर यहाँ पे भी नहीं है वो, और ना आगे है, और हमने पूरा चेक कर लिया यहाँ से लेके वहाँ तक जो वहाँ पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ कहीं पे भी नहीं है वो। यार डर है कोई जंगली जानवर तो खा ले के खा नहीं गया उसे, क्योंकि यार एक बंदा तो वहीं पर था पर वो आ गया था 5 मिनट के लिए, देखो क्या हुआ है उसके साथ, बच्चा ही था यार वो शायद। गाइस हमने उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और वो मिली नहीं यार, तो हमने इन्हीं को वो जो लाए थे हम खाना पीना वो दे दिया यार, सारी हमारी बेवकूफ़ी थी, हम अगर 5 मिनट उस पर नज़र रख लेते तो वो आज हमारे साथ ही होती, क्या या पता यार कहीं उड़ गई हो, क्योंकि दवा ववा लगा दी थी उसकी अच्छे से, भगवान जाने क्या हुआ हो, जहाँ पे भी वो खुश हो अच्छी हो सही हो मतलब।